खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हम शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। दरअसल नीरव मोदी मामले में जो बड़े अधिकारी जांच कर रहे थे, मुख्य जांच अधिकारी, उन मुख्य जांच अधिकारी का तबादला कर दिया गया है, हटा दिया गया है उन्हें। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार, उनका नाम सत्यव्रत कुमार को हटा दिया गया है, जांच से हटाया गया सत्यव्रत कुमार को, जो ईडी में बतौर ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यरत थे। हम सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, क्यों हटाया गया? देखिए रोमाना, इस बात को ईडी हेडक्वार्टर ने अभी कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि आखिर सत्यव्रत कुमार को क्यों हटाया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सत्यव्रत कुमार इस समय लंदन में है, नीरव मोदी मामले की जांच देख रहे हैं, शुरुआती तौर से जांच देख रहे हैं। इसके अलावा वो विजय माल्या मामले की भी जांच देख रहे हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर वन की पोस्ट पर बॉम्बे में तैनात थे और इस समय जिस समय ये उनको हटाया गया है उस समय भी वो नीरव मोदी के मामले की पैरवी करने के लिए लंदन में मौजूद है। ये बड़े ही ताज्जुब की बात है कि उन्हें ऐसे समय में हटा दिया गया है। ईडी सूत्रों का कहना है कि जो उनके ऑर्डर में लिखा गया है कि उनका 5 साल का कार्यकाल था, उनको अभी तक एक्सटेंशन नहीं मिला है, लिहाजा उन्हें इस पद से हटाया जा रहा है और उनकी जगह पर चार्ज एडिशनल डायरेक्टर बॉम्बे को दिया गया है। लेकिन ऑर्डर में एक बात और कही गई है कि इसके अलावा उन्हें कोल ब्लॉक मामलों से अटैच किया जा रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सत्यव्रत कुमार को ऐसे टाइम में क्यों हटाया गया जब वो नीरव मोदी मामले की जांच के लिए खुद लंदन में मौजूद थे, और आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण सत्य कुमार को तत्काल प्रभाव से हटाकर उनकी जगह एडिशनल डायरेक्टर को चार्ज देने को कहा गया है। रोमाना, सत्यव्रत कुमार किस तरीके से इस पूरी जांच से अब तक जुड़े हुए थे, जरा दर्शकों को ये भी बताइए, और हटाए जाने से सत्यव्रत कुमार की ये पूरे मामले में जो वो जांच कर रहे थे वो कैसे प्रभावित हो सकती है? ओम प्रकाश तिवारी, मैं आपको बता दूं कि नीरव मोदी का केस जिस दिन से दर्ज हुआ था उसी दिन से सत्यव्रत कुमार इस मामले की जांच कर रहे थे और वो इस मामले के प्रथम जांच अधिकारी भी थे। जितने भी मामलों में छापे लगाए गए, जिन मामलों की गिरफ्तारी, जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई, उससे लेकर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को भारत वापस लाने तक में जितनी भी भूमिकाएं, जितनी भी अभी तक सफलताएं मिली हैं, उन सब का श्रेय कहीं ना कहीं सत्यव्रत कुमार को जाता है। ऐसे में सत्यव्रत कुमार को उस पोस्ट से हटा देना अपने आप में बेहद संदेहास्पद है। और आखिर इस आशय के ऑर्डर जो किए गए, ये आशय स्पेशल डायरेक्टर वेस्ट बॉम्बे की तरफ से निकाले गए हैं, जिन्होंने अपने ऑर्डर में साफ तौर पर कहा है कि सत्यव्रत कुमार को इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और उनका एक्सटेंशन अभी तक नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि वो कोल मामलों की जांच से जुड़े रहेंगे, यानी कि वो ईडी से रिलीव नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सत्यव्रत कुमार अगर इस मामले की जांच से हटा दिए जाते हैं तो उसका पूरा पूरा असर नीरव मोदी और विजय माल्या दोनों मामलों में पड़ सकता है, क्योंकि दोनों मामलों के प्रथम जांच अधिकारी सत्यव्रत कुमार ही रहे हैं। रोमाना, और हम सीधे लिए चलते हैं इस वक्त आपको एबीपी न्यूज संवाददाता पूनम जोशी लंदन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, आज लंदन की कोर्ट में नीरव मोदी की पेशी और इसी से जुड़े अपडेट के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं पूनम जोशी के पास। पूनम, अपडेट क्या मिल रहा है? रोमाना, अपडेट यही है, मैं सुबह से यहाँ वेस्टमिंस्टर कोर्ट में आई हुई हूँ और यहाँ पर नीरव मोदी को अभी थोड़ी देर पहले पुलिस वैन में लाया गया है और उन्हें यहाँ जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे ज्यादा बात यह है इंटरेस्टिंग कि जो विजय माल्या की जज थी एमा आर्सबटनॉट, वही नीरव मोदी की भी जज हैं, और विजय माल्या की जो वकील थी क्लेयर मॉन्टगोमरी वो भी यही नजर आ रही हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि वो नीरव मोदी की भी पैरवी करने वाली हैं। और यहाँ पर अभी मैंने प्रोसिक्यूशन को बात करते हुए सुना कि अगर नीरव मोदी को, वैसे तो कोई चांसेस है नहीं बेल मिलने के, लेकिन अगर उनको किसी भी वजह से अगर बेल मिल जाती है तो जो है प्रोसिक्यूशन उस चीज को अपील करेगा और हर कीमत कोशिश करेगा कि उसे बेल ना मिले, भले ही उन्हें जानकार क्या बता रहे हैं। आज की जो पेशी है वो कितनी देर तक चल सकती है, कितनी देर में अदालत जो है वो इस पर अपना फैसला सुना सकता है? लगभग आधे घंटे से 45 मिनट तक लगेंगे, क्योंकि ये पेशी में केवल फैसला ही नहीं सुनाया जाना है,
क्योंकि यहाँ पर ईडी और सीबीआई की टीम भी यहाँ पर मौजूद है अपने दस्तावेज लेकर, और उनके जो हैं वकील यहाँ पर आए हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, जो भी उनकी चार्जशीट्स हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं नीरव मोदी की, वो सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर उनका वकील लेकर आ चुका है। और नीरव मोदी का वकील अपना पक्ष यहाँ रखेगा, तो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होने के चांसेस हैं कोर्ट में, जज के सामने दोनों पक्ष के वकील अपना अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे और उसी के बेसिस पर जो है जज ये फैसला सुनाएगी कि नीरव मोदी को बेल दी जा सकती है या नहीं। मिली जुली रिएक्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे लोगों से, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि उन्हें बेल नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद उन्हें बेल मिल सकती है, क्योंकि माल्या को और जो भी पिछले हिस्टोरिकली जो भी एक्सट्रेडिशन केस हुए हैं उनको बेल दी गई है। तो बिल्कुल, तो अभी सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आज जो अदालत में सुनवाई होगी, क्या अदालत की तरफ से नीरव मोदी को बेल मिलेगी या नहीं। हालांकि पूरी तरीके से इस वक्त नीरव मोदी घिरा हुआ नजर आ रहा है, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, जैसे ही इससे जुड़ा कोई अपडेट आएगा आपका चैनल एबीपी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल आइए रुक करते हैं अपने शो सीधा सवाल का।